तो आज हम जा रहे हैं गणेश उत्सव मनाने श्री 11 रुद्री मंदिर में। ये प्रोग्राम है वहाँ पर गणपति जी की स्थापना हुई है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। कि भगवान का विसर्जन कर दिया, भगवान का विसर्जन कर दिया। थोड़ा कहने और सोचने का फर्क है। जितने भी देवी देवता हैं, उनका जाने का जो रास्ता है वो जल का रास्ता है। श्री राम जी ने भी जल की समाधि ली थी। देवताओं का जाने का रास्ता जल का है, और हम तो ऐसे ऐसे हवा में भेज देंगे भगवान को, तो इसलिए जल के द्वारा इनका विसर्जन किया जाता है। भगवान गणपति जी गणेश चतुर्थी वाले दिन आते हैं, सभी भक्तों के कष्टों को हर के इस लोक से चले जाते हैं। वो जाने का रास्ता है जल का, तो श्री माता पिता जाई के फिर गुरु को सभा में मां सरस्वती रखना मेरा। आज वो सुबह गई फिर आ गई जिसका था इंतजार, सब भक्तों के सामने आ गए गणपति महाराज। महिमा तेरी अपरंपार, जय मंगलमूर्ति, जय मंगलमूर्ति, दर्शन मात्र।
शुनंशो कविनाशकारकं नमामि विघ्ने सर्वपारबन्धनं चीटा लगे नीर का कष्ट मिटे शरीर का चीटा लगे पानी का दोष मिटे वाणी का सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मानसे दुःखभाग् भवेत्। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भगवान शंकर की जय हो। माता गौरा की जय हो। सिद्धि सिद्धि माताओं की जय हो। शुभला भगवान की जय हो। मूषक भगवान की जय हो। नगर खेड़े की जय हो। गौ माता की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी तीर्थ स्थलों की जय हो। अपने अपने पितरों की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की सबका निकल जाए। बोल गणपति भगवान की जय। और सिद्धि विनायक भगवान की जय। आइए भक्तों, जैसा कि मैं प्रतिदिन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई संस्था नहीं है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। शहर के अंदर ना उगाया जाता है कोई चंदा और ना काटी जाती है पर्ची। एकमात्र आप लोगों के सहयोग से आप और हम जुड़े हैं। एक धागे में पिरोए हुए ऐसे मोती जो हर साल बाबा को यहाँ पर लेकर के आते हैं और बाबा का गुणगान करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं। उसी कड़ी में एक छोटा सा बच्चा आता होगा रे,